पता है कब लागू हुआ था? तो ये क्या सर्वसम्मति से लागू हुआ? पता नहीं, वो हमसे आएंगे तो उनको बता दें। ये काम शुरू हम लोग पहले से किए हुए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है, कहाँ क्या कमी है। देखिए जो कुछ भी हुआ है उस पर बहुत गंभीरता से एकदम सरकार की तरफ से सब लोग, दोनों डिपार्टमेंट के लोग पूरी तरह इस पर देख रहे हैं कहाँ क्या है, और एक एक चीज की जांच कर रहे हैं कि कहाँ कैसे हुआ, कौन किया, कौन लाया, एक एक चीज को देख रहे हैं। और जैसे ही घटना घटी तो उसके बाद ये सब तरह तरह की बात आई, वो तो छोड़ दीजिए, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन जैसे ही घटना घटी थी उसी समय हमने अधिकारियों से कहा कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ, इसको तत्काल देखिए। और सबको कहा गया है कि एक चीज़ पर नज़र रखिए, तो कोई गड़बड़ काम कर रहा है तो उस पर नज़र कैसे दी। ये सब हम लोग पहले ही कह दिए थे, और उसके बाद तरह तरह की बात आने लगी तो हम लोग क्या करते हो ही रहा तो कर रहा है। बहुत सारे लोग तो यहाँ से करके बाहर भाग जाते हैं, इन पर तो शिकंजा कसना होगा ना, एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात है कि एक तो इतना आप जान लीजिए, ज्यादातर लोग तो शराबबंदी के पक्ष में, लेकिन क्या करिएगा, कुछ लोग तो होता ही ना, हम लोग शुरू से न कर रहे हैं तो इधर उधर करता है, वो अच्छा काम नहीं करता है, समझाया जाता है, और फिर भी जिनको जिम्मेवारी दी जाती है उसमें भी सब ठीक ढंग से कभी कभी काम नहीं करता है, तो एक्शन उस पर भी होता है। तो इसलिए एक एक चीज़ को देखा जाता है कि भाई कहीं कुछ हो रहा है, देखिएगा ना। तो आजकल देख रहे हैं कहाँ कहाँ पकड़ा रहा, कहीं कोई बाहर से आ रहा है, कहीं कोई अंदर कर रहा, तो रोज पकड़ा रहा, गिरफ्तार कर रहा। और हमने ये कह दिया है कि बिना मतलब का लोगों को नहीं, असली जो करता है अंदर तौर पर उसी को खोजिए और उसी को पकड़िए, ये हमने कहा है। आप जो यात्रा पर निकल रहे हैं उससे फायदा होगा इस बार लगता है? आप जो इस बार यात्रा पर जा रहे हैं के लिए नहीं, देखिए आप तो जानते हैं हम सब दिन जाते हैं ना देखने के लिए, जो भी काम शुरू हम लोग पहले से किए हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, कहाँ क्या कमी है, किनको क्या दिक्कत है, एक एक चीज़ देखने और समझने जाते हैं। एक तो विकास का काम कि कितना हुआ, और दूसरी बात है कहाँ पर और क्या कमी है, वो सब देखने जाते हैं हम, उसके चलते उसका एकदम बिल्कुल आकलन करने, देखने, स्पॉट पर जा करके ये सब के लिए हम जाते हैं। तो आप लोग को तो पहले से मालूम ही है सर, हमारी जो यात्रा होती है तो इस तरह का, इस बार वाला तो पूरा उसी के लिए है, खास करके विकास का और सपनों का, किसी को कोई कमी है, कमजोरी है, सबका बात सुनेंगे और सबको देखेंगे। सर माझी साहब कह रहे हैं कि सर गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए, आपके जब वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि पता नहीं, वो हमसे आएंगे तो उनको बता दें। उनको क्या पता है कब लागू हुआ था? तो ये क्या है सर्वसम्मति से न लागू हुआ जी, उसमें तो ऐसा नहीं था, और बाद में तो पता चल गया। आप जानते हैं यहाँ पर सबका ट्रेनिंग कराए, बहुत लोग कहता था ना कि कोई लोग शराब पीता है तो उसको मान लीजिए कि अगर उसको तबीयत खराब हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, हमको कभी नहीं होगा। और यहाँ पर आप जानते हैं कितना जगह लोगों का हम कराए, कितना कितना लोग एक एक महीना रह रहा करके एक एक चीज़ को सीखे, और कोई ऐसा है ही नहीं कि शराब पीने से कोई अच्छा है, शराब पीने से तो आदमी को नुकसान होता है। तो ये सब नहीं मालूम नहीं होगा, ये सब चीज़ का, सब चीज़ की जानकारी नहीं होगी, और क्या बात है, हम पूछ लेंगे आदमी। अब टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ, घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।